राज्य महिला आयोग ने गुरुवार को एक अनूठा इतिहास रचाया। आयोग परिसर में शहनाई की गूंज के साथ मंडप भी सजा। परिवार की भूमिका में परिजनों के साथ आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने अपना फर्ज अदा किया। युवती को करंट लगाने और पीटने के मामले में राज्य महिला आयोग गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कार्यालय में ही सुबह 11:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों का विवाह करवाया। आयोग के इतिहास में यह पहला मौका है जब परिजनों के उत्पीड़न की शिकार प्रेमी जोड़े का महिला आयोग कार्यालय में विवाह कराया गया। हालांकि इस दौरान दोनों के परिजन भी मौजूद रहे। विवाह के संपूर्ण रीति रिवाज आयोग अध्यक्ष की देखरेख में किए गए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि झोटवाड़ा निवासी ज्योति और मनीष कुछ समय से प्रेम प्रसंग में थे। उनके परिजन इसके खिलाफ थे। इस पर आयोग में तलब किए गए परिजनों पर ज्योति ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती है, घर वाले खिलाफ हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। आयोग के अध्यक्ष के समझाने के बाद वे लोग उनके रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार हुए।